नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के शिक्षकों और लाइब्रेरियन के वेतन में होगी बढ़ोतरी। नीट परीक्षा की तारीख बढ़ी आगे। 9वीं के छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल के लिए राशि आवंटित। राज्यसभा सचिवालय में इंटर्नशिप और फेलोशिप का बिहार वासियों को मिला मौका। भारत ई मार्केट पोर्टल पर दुकान खोलने में बिहार व्यवसायियों की दिखी रुचि। अब खबरें विस्तार से। डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान ने निकाली रिक्तियां। डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान DSRVS ने ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर के कुल मिलाकर 138 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.dsrvsindia.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 9वीं के छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल के लिए राशि हुई जारी। सरकारी और सरकार की तरफ से दी जाने वाली साइकिल को लेकर राशि उपलब्ध करवा दी गई है, जिसके तहत अब बिहार सरकार की तरफ से 9वीं कक्षा के छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। यह राशि राजकीयकृत प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुदानित प्रस्कृति अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों संस्कृत एवं वित्त रहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं में 2020-21 में नामांकित विद्यार्थियों को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साइकिल योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से करीब 66,000 अधिक है। इसके साथ ही अब रविवार को भी स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है। नवादा के सूर्य मंदिर हंडिया में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले के हंडिया का यह सूर्य मंदिर बिहार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 4 सूर्य मंदिरों में से एक है तथा पौराणिक और ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार है। हंडिया गांव स्थित यह सूर्य नारायण मंदिर द्वापर कालीन बताई जाती है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मगध सम्राट जरासंघ का इन क्षेत्रों में साम्राज्य था। कहा जाता है कि जरासंघ की पुत्री धन्यावती यहां तालाब में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने आती थी। सूर्योपासना को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना भी करने आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन में मांगी गई मुराद यहां पूरी होती है। कोई भी याचक यहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। बिहार के 11 जिलों में पॉक्सो एक्ट में संशोधन की शुरू हुई तैयारी। बिहार के 11 जिलों में अब बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग ने 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली विशेष कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, जिसका काम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है। समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर जिलों को चिन्हित कर लिया है। साथ ही ऐसे जिलों को 20-20 लाख रुपए का आवंटन भी कर दिया गया है। आपको बता दें, इस चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक अभी सभी राज्यों में एक पॉक्सो कोर्ट कार्यरत है, जहां बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। अप्रैल में बढ़ेंगे बिहार के शिक्षकों और लाइब्रेरियन के वेतन। बिहार सरकार बिहार के करीब 3.5 लाख शिक्षकों के लिए जल्द ही नई सौगात लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अब शिक्षकों के साथ पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन में बढ़ोतरी करने की तैयारी की गई है, जिसके तहत उन्हें आगामी 1 अप्रैल से अब तक बढ़े हुए वेतन का फायदा मिल सकता है। खबरों की माने तो वेतन सारणी तैयार होते ही शिक्षा विभाग इसके अनुरूप वेतन निर्धारण के लिए अधिसूचना जारी कर देगा। इस मामले को लेकर सरकार भी बेहद सक्रिय और गंभीर है। विभागीय स्तर पर इसे लेकर कई बैठकें भी हो चुकी है। अब खेतों में पहुंचाई जाएंगी सस्ती बिजली। इस साल बिहार के कृषि सहित कई उपभोक्ताओं को विशेष छूट मिलने वाली है। इसको लेकर बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड के टैरिफ पिटीशन पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के निर्णय के बाद ही यह संकेत दिया गया है। अपने निर्णय में आयोग ने 2021-22 के लिए BGCL के वार्षिक राजस्व में कटौती की है। इसकी घोषणा विद्युत भवन स्थित कोर्ट रूम में संवाददाता सम्मेलन के दौरान आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने की, जिसके तहत यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक आयोग के अगले आदेश तक प्रभावी होगा। 31 मार्च 2021 तक या आयोग के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बिहार में जल्द ही बनेगी देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना। सुपौल जिले के डगमारा में बनने वाली पनबिजली परियोजना देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी परियोजना की समीक्षा की है, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इस परियोजना के बन जाने से बिजली के निर्माण के साथ साथ कई अतिरिक्त लाभ भी होने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पर्यावरण के दृष्टिकोण से पनबिजली और सौर ऊर्जा को उपयोगी बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों की सहूलियत को भी ध्यान में रखा जाए।
राज्यसभा सचिवालय में इंटर्नशिप और फेलोशिप का मिला मौका। राज्यसभा की कार्रवाई को जानने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इंटर्नशिप और फेलोशिप के लिए विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है। सचिवालय के विज्ञापन के अनुसार राज्यसभा अनुसंधान और अध्ययन योजना के अंतर्गत राज्यसभा अध्येता वृत्तियों और राज्यसभा स्टूडेंट इंगेजमेंट इंटर्नशिप के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्यसभा सचिवालय इंटर्नशिप और फेलोशिप 2021 विज्ञापन के अनुसार अध्येता वृत्तियों की 4 रिक्तियां और इंटर्नशिप की 10 रिक्तियों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर राजगीर में बना सस्पेंशन ब्रिज। बिहार को पर्यटन के लिहाज से काफी ज्यादा विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में नेचर सफारी को शुरू करने का ऐलान किया गया है। नालंदा, नवादा और गया के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। इसमें बनाया गया देश का पहला ग्लास स्काई वॉक की चर्चा देश भर में हो रही है। इसके बाद यहां इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। यह राजगीर की पंच पहाड़ियों में शामिल वैभारगिरी की दो पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा यह सूबे का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूला पुल है। इस पर करीब 50 लाख रुपए खर्च आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण स्थानीय कारीगरों और मजदूरों ने ही किया है। सदन में पूछे जाने वाले सवालों का 5 दिन पहले तैयार करना होगा जवाब। इन दिनों बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इसको लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने में लापरवाही दिखाने वाले विभागों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत सदन में पूछे जाने वाले सवाल के लिए 5 दिन पहले ही लिखित रूप में जवाब मांगा गया है। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है जिन विभागों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है उन्हें भी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी यदि लापरवाही बढ़ती गई तो बजट सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय गहन समीक्षा करेगा और जवाब देने में कोताही बरतने वाले विभागों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के भत्ते का हुआ निर्धारण। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं इन्हीं तैयारियों के बीच अब बिहार पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के भत्ते का निर्धारण कर दिया गया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है। पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक को 500, मतदान अधिकारी सहायक निरीक्षक हवलदार, मतगणना सहायक और सरकारी चालक को 375, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चौकीदार दफादार दलपति को 250 प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा। मतदान के लिए प्रेक्षकों को 1 मुश्त 2000 मिलेंगे। गृह रक्षकों को निर्धारित दर से दैनिक भत्ता मिलेगा। भारत ई मार्केट पोर्टल पर दुकान खोलने के लिए बिहार से मिले 500 आवेदन। हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से महाशिवरात्रि के मौके पर भारत ई मार्केटिंग पोर्टल से जुड़ने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसमें बिहार के लोगों ने काफी रुचि दिखाई थी। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कैट की तरफ से जारी किए गए इस ऐप में बिहार से 500 आवेदन देखने को मिले हैं। वहीं देश भर में ऐसे आवेदनों की संख्या 30,000 जबकि कुल हिट 75,000 है। हालांकि अभी पोर्टल को प्रमोट करने और देश के हर व्यापारी तक पहुंचाने के लिए 40 व्यापार संघों के शीर्ष व्यापारियों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट हुई तैयार। बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य के 28 जिलों के भू गर्भ जल स्तर की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि साल 2020 के 28 फरवरी की तुलना में 2021 में इस तारीख को भू गर्भ जल का स्तर 17 जिलों में पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, जबकि 9 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जिसके जल स्तर नीचे आ गए हैं। इसके साथ ही एक जिला यानी कि सीतामढ़ी में जल स्तर बराबर है। इसको लेकर पीएचईडी ने सभी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश हर जिले को दे दिया है। पीएचईडी से जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 7 फुट 10 इंच जल स्तर में वृद्धि नालंदा जिले के हिलसा में हुई है। बिहार शरीफ में 3 फुट 8 इंच की वृद्धि के साथ जल स्तर 28 फुट पर आ गया है। बांका में पिछले साल फरवरी अंत में जल स्तर 20 फुट 4 इंच नीचे गया था, जो कि इस साल 25 फुट 7 इंच नीचे चला गया है। बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसका फैसला अब 31 मार्च को। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से करारा झटका लग सकता है। हालांकि बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसका फैसला 31 मार्च को लिया जाना है। इसको लेकर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करवाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पिछले 3 वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा रखा गया था। साथ ही यह भी बताया गया है कि बिजली की दरों में किसी भी तरह के बदलाव का फैसला 31 मार्च को लिया जाएगा। बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9-10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। हर साल सभी खर्चों का नुकसान के हिसाब से बिजली की दरें तय करनी होती है।
पटना में अब जमीन खरीदना हो सकता है और महंगा। अगर आप भी राजधानी पटना में जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर कुछ खास है। अब पटना में जमीन खरीदने के लिए आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि पटना जिले में जमीन की रजिस्ट्री अब महंगी होने वाली है। मुख्य मार्गों पर सर्किल रेट में 50% और लिंक रोड में 25-30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, अब किस इलाके में कितना सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा इसको लेकर भी टीम सर्वेक्षण कर रही है। 25 मार्च तक सर्वेक्षण पूरा होने की संभावना है। इसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि अगर सर्वेक्षण रिपोर्ट 31 मार्च के पहले राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल जाएगी तो नया सर्किल रेट 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। विधानसभा में भिड़े तेजस्वी यादव और मंगल पांडे। बीते दिन आयोजित किया गया विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिला। इतना ही नहीं, बीते दिन आयोजित इस सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच में भिड़ंत भी देखने को मिली। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से मंत्री रामसूरत राय का मामला उठा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पिछली कार्यवाही में सर्वदलीय कमेटी गठित करने की मांग नहीं की थी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सदन की प्रोसीडिंग निकलवा कर दिखवा लीजिए। इतना ही नहीं, कार्य स्थगन का प्रस्ताव पढ़ने को लेकर भी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव में सीधी भिड़ंत हो गई। भारी बवाल के बीच बीते दिन सदन को 12:15 से 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया था। खराब मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने हाल ही में बारिश को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने शनिवार के तर्ज पर रविवार को भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। साथ ही आसमानी बिजली को लेकर यह अपील की है कि लोग घर से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पास पहुंचकर पूरब की तरफ बढ़ रहा है। टर्फ लाइन मध्य यूपी से मध्य बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। बंगाल की खाड़ी पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके प्रभाव से बिहार में अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार देखने को मिल रहे हैं। जिला परिषद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगा डीडीसी। बिहार की सरकार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी डीएम और ईओ को जिला परिषद के 1-1 इंच जमीन अतिक्रमण कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। शासन ने कहा है कि बाकायदा अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, जिला परिषद की भू संपदा का अभिलेख तैयार करे और अतिक्रमण मुक्त कराए। इसके साथ जिला परिषद के अपने संसाधनों या 15वें वित्त आयोग के अनटाइड घटक की राशि से संपूर्ण भूमि की चहारदीवारी सुनिश्चित कराए जाने की भी बात कही गई है। विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष ने किया राजभवन मार्च। शराबबंदी के नाम पर बिहार में कानून लगातार जारी है। बिहार विधानसभा में भी शनिवार को राज्य में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा खूब उठाया गया, जिसके तहत विपक्ष ने रामसूरत राय से इस्तीफे की मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान विपक्षी दलों ने राजभवन मार्च किया और राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा। इतना ही नहीं, इस दौरान तेजस्वी ने यह आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सदन पर सत्ता पक्ष का कब्जा हो गया है। तेजस्वी यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस बाबत कहा कि यह मामला बहुत ज्यादा ही गंभीर है, मंत्री जी के खिलाफ सभी साक्ष्य भी मौजूद है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के पक्ष में उतरी भाजपा। मंत्री रामसूरत राय को लेकर उठे बवाल के बीच अब भाजपा ने तेजस्वी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वो तेजस्वी यादव की तरफ से रामसूरत राय को चरित्रहीन करने वाले बयान पर मानहानि का मुकदमा दाखिल करवाएंगे। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में सुर्खियां बटोरने के लिए बदहवास तेजस्वी यादव ने यादव समाज के एक शरीफ मंत्री को सॉफ्ट और आसान निशाना बनाया है। एक चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्लाकर एक शरीफ आदमी को चोर घोषित करना चाह रहा है। रामसूरत राय के 7 पुश्तों में कोई दाग नहीं है, तेजस्वी अपने गिरबान में झांके। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस रिसर्च विभाग की तरफ से आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संवाद में बिहार कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश संकट से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि बिहार में सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस सरकार को सत्ता में 15 साल से अधिक का समय गुजर चुका है और आज भी इनसे कुछ पूछो तो 15 साल पुरानी बातों को ही दोहराते हैं। APMC एक्ट को 2006 में ही इस सरकार ने खत्म करके किसानों की परेशानी बढ़ा दी। सरकार ने गरीबों को जो जमीन दी है उसमें से अधिकांश पर लोगों को अब तक दखल नहीं मिल पाया है। बिहार के पुनर्निर्माण में हम स्वयंसेवी संस्थाओं का साथ चाहेंगे। नीट परीक्षा की तारीख में हुआ विस्तार। जेईई मेंस के बाद अब नीट परीक्षा की तारीख में भी फेरबदल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके
तहत इस बार यह परीक्षा 1 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाली है। परीक्षा का दिन रविवार को तय किया गया है। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर एमबीबीएस बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान किया गया है। नीट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इस बार कुल 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। सन 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का मुंबई में प्रदर्शन आज ही के दिन हुआ था। गणित प्रेमियों के लिए खास दिन पाई डे 1988 में पहली बार मनाया गया था। सोनिया गांधी 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष आज ही के दिन बनी थी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का 1965 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला का 1972 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1963 में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। इंग्लैंड के साथ पहला मैच हारने के बाद भारत के नाम जुड़ा अनोखा रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। भारत को शुक्रवार को खेले गए मैच में इंग्लैंड के हाथों 8 विकेट से करारी मात मिली। नवंबर 2019 के बाद पहली बार भारत को टी20 मैच में हार मिली है। साल 2020 में भारत एरॉन फिंच की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के हाथ 3 मैच की टी सीरीज में आखिरी मैच हारा था। नवंबर 2019 में घर में मिली हार के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के दौरे पर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली ने कहा है कि हमें इस पिच पर कैसे खेलना है इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। राधे फिल्म के रिलीज डेट का हुआ ऐलान। बॉलीवुड के भाई कहे जाने वाले सलमान खान की फिल्म काफी लंबे समय से बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली है, मगर अब जल्द ही उनकी नई फिल्म राधे सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली है, जिसके तहत अब जाकर के सलमान खान ने एक दमदार पोस्टर भी शेयर करने के साथ ही राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। सलमान खान ने फिल्म का एक पोस्टर साझा करते हुए बताया कि फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज होगी। सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, ईद का कमिटमेंट किया था, ईद पर ही आएंगे। इस कैप्शन के साथ सलमान खान ने #RadheOn13th में #2MonthsToRadhe # का भी इस्तेमाल किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमार, साहिल राज, ओमकार सिंह, असलम राज, श्वेता रॉय, प्रदीप, मुकेश कुमार, शंकर मुखिया, राजीव रंजन, मनीष मोहरा, नीतीश कुमार, रविन्द्र पासवान, शशि भूषण। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 9वीं कक्षा के छात्राओं को साइकिल मुहैया करवाने का फैसला लड़कियों को स्कूल लाने में प्रोत्साहित करेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।